मंडला जिले की घुघरी तहसील में नवनिर्मित बांध बरवानी में दरार आने से बांध 6 से 7 फीट धंस गया है, जिसमें बहुत तेजी से पानी का रिसाव हो रहा है। बताया गया है कि पिछले 2-3 दिनों से हल्का रिसाव हो रहा था, इसके बाद इसमें दरार भी आ गई। बांध का एक हिस्सा धंस रहा था। ग्रामवासियों ने जब इसमें दरार देखी तो बांध फूटने की आशंका से इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया और SDERF की टीम हेमराज परस्ते के नेतृत्व में रवाना कर दी गई। पूरे दलबल के साथ गांव में प्रशासनिक अमला पहुंच गया है। बांध में भरे पानी को निकालने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। JCB मशीन के माध्यम से बांध के हिस्से को काटकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बांध को फूटने से बचाया जा सके। बताया गया है कि इस बांध के नीचे एक गांव है, जिससे ग्रामीण भी डरे हुए हैं। बांध से तो क्या बांध फूट रहा है? तो लोगों का कहना है कि बांध इस प्रकार धस रहा है करके, क्या सत्य है? क्या हो गया नुकसान? धान। अच्छा, तो क्या किससे मतलब नुकसान हो रहा है? पानी ज्यादा जाने से? ज्यादा पानी जाता है और मिट्टी जाता है, खोद तो भाग रही है। हालांकि जैसे ही शासन प्रशासन को बांध के धंसने की खबर मिली, वैसे ही SDERF व होमगार्ड टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और पोकलेन मशीन व JCB मशीन के माध्यम से राहत कार्य जारी है। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर बांध के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बांध से लगातार निकल रहे पानी से आसपास की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने बांध की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्राम बरवानी में जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया डैम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, दरारें आ चुकी हैं और मुख्य दीवार वो बैठ चुका है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया होगा और ये मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार को दर्शाता है, क्योंकि इस डैम से लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलना था, किंतु आज मौके में जाकर के वस्तु स्थिति को देखा गया, जिससे आज जो कैनाल बनी है वो पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं, टूट गए हैं। ऐसे में किसानों को कैसे सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकता है? डैम के टूटने से और दरारें आने से निश्चित ही जानमाल की खतरा हो सकती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो प्रभावित एरिया में आने वाले परिवार हैं, उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और किसी भी तरह से हानि से उनको बचाया जा सके। पिछले वर्ष ही घुंघरी तहसील की ग्राम पंचायत बरवानी में 5 से 10 एकड़ जमीन पर बांध को बनाया गया था, लेकिन उक्त बांध की एक ही वर्ष में पोल खुल गई और देर रात बांध में दरार आ गई, जिसमें बड़वानी बांध 5 से 6 फीट धंस गया है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।